हे त्रिदेव, ये संसार आपकी कृपा से चलता है। सृष्टि के कण कण में आप वास करते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मारुति को जीवन दान दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए इस अबोध बालक पर। प्रणाम देवगण। सेविकाओं, जाओ मारुति के लिए भोजन की व्यवस्था करो। उसे भूख लगी होगी, आते ही भोजन मांगेगा। और ध्यान रहे, भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं भी चलती हूँ रसोई घर में। आज अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी अपने लाल के लिए। करुणा के सागर, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। हमारा पुत्र हमें सकुशल वापस लौटा दीजिए। संभालिए अपने आप को केसरी जी। ऋक्षराज जी, भगवान शिव शंकर की आप सब पर असीम कृपा है। वे ही सकुशल लाएंगे मारुति को। आप धैर्य धारण कीजिए। धैर्य कैसे धारण करूं महाराज ऋक्षराज? ये भवन दिन रात मारुति की खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। वो मधुर मुस्कान, वो मनमोहक वाणी, चारों ओर एक अलौकिक सुख और हलचल से भरा रहता था ये भवन। और आज देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है ऋक्षराज जी। केसरी जी, इस संकट की घड़ी में यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो देवी अंजना को कौन संभालेगा? वो तो माँ हैं, और माँ का हृदय तो बहुत कोमल होता है। भावनाएं तो माता पिता की एक ही समान होती हैं महाराज ऋक्षराज, किंतु पिता को कठोर बनने का दिखावा करना पड़ता है। मुझे भी मारुति की सुरक्षा की उतनी ही चिंता है। सत्य कहा आपने, पुरुष कर्तव्यों से बंधा होता है, जबकि नारी की ममता को कोई भी सीमा और कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। यदि आपने धैर्य खो दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, इसलिए आपको तो धैर्य रखना ही होगा। हे भगवान भोलेनाथ, अंजना के विश्वास की विजय हो, यही विनती है आपसे। क्षमा करे त्रिदेव, अबोध नहीं उद्दंडी था ये बालक।
सबने बार बार मना किया, समझाया, इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, किंतु इसने किसी की नहीं सुनी। आज तक संसार में मर्यादा का इससे बड़ा उल्लंघन कभी नहीं हुआ जो इसने सूर्य को निगल कर किया। इसकी घोर उद्दंडता के लिए यदि मैं इसे दंड नहीं देता तो क्या पुरस्कार देता? हे जगतपालक, अब आप ही बताइए, मर्यादा तोड़ने वाला एक उद्दंडी बालक आपके मर्यादा अवतार श्री राम का सहायक कैसे हो सकता है? हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु एक बात भी समझिए, वायुदेव इस बालक को इसलिए जीवित करना चाहते हैं क्योंकि ये वचन देकर आए हैं इसकी मां को, किंतु महादेव इस बालक को जीवन देने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को भंग करना। अरे तुम सब ऐसे क्यों खड़ी हो वहां? मारुति अभी आता ही होगा, आते ही भोजन मांगेगा तो क्या कहोगी? पहले भी उसकी भूख शांत नहीं कर पाई, इसीलिए अबोध मारुति सूर्य को फल समझकर खाने चला गया। दोबारा अगर ऐसा हुआ ना तो मारुति आएगा। आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मारुति आएगा, मेरा लाल आएगा। वायुदेव ने वचन दिया है मुझे, कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो मारुति को सकुशल लेकर आएंगे। विश्वास है मुझे, मारुति अवश्य आएगा। आप सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा मारुति सकुशल लौट कर आएगा, विश्वास कीजिए मेरा। आपको तो विश्वास है ना मेरी बात पर? तुम्हें विश्वास है ना हमारा मारुति सकुशल लौटेगा? तो तुम्हारे विश्वास पर मुझे भी पूर्ण विश्वास है। तुम्हारी ममता खींच लाएगी हमारे मारुति को हमारे पास। तुम्हारा असीम वात्सल्य तुम्हारे सूने आंचल को फिर से भर देगा। मुझे विश्वास है अंजना, हमारा मारुति सकुशल लौट आएगा। हमारे मित्र मारुति को सकुशल हमारे पास लाइए प्रभु। हमने तो अपनी मनोकामना लिख दी है इस पत्थर पर, इसे नदी में डालने से हमारा मित्र मारुति
वापस आ जाएगा ना? अवश्य आएगा हमारा मित्र मारुति। तुम्हें स्मरण है ना सुशील, पहले भी हमने अपनी मनोकामना पत्थर पर लिखकर इसी प्रकार प्रवाहित की थी, तब भी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी। सत्य कह रहे हो तुम, चलो प्रवाहित करते हैं। हे प्रभु, हमारा मारुति जहाँ भी हो हमारे पास सकुशल लौट आए, उसके बिना हमारा मन कभी भी नहीं लगता। हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भोले मारुति के भोले मीत, देखो करे प्रार्थना विनीत। मित्र हमारा लौट के आए, कोई न उस पर संकट छाए। मनमाना करते थे उल्लास, मांगा करते थे अवकाश। पत्थर पर लिख लिख कर इच्छा, मांगे आज एक ही भिक्षा। मित्र हमारा लौट के आए, कोई ना उस पर संकट छाए। बस इंद्रदेव, नियमों की दुहाई देकर आप अपने अपकृत्य और अन्याय को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। मारुति कोई असुर नहीं है, ना ही उसने आप पर आक्रमण किया था। जो आपने उस पर वज्रप्रहार कर दिया। इस समस्त सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व मेरा है देवी। मैंने वही किया जो एक देवराज को करना चाहिए था। देवराज इंद्रदेव, इस देवराज पद ने ही आपके नेत्रों पर अहंकार का आवरण ओढ़ा दिया है, जो ये भी नहीं देख सके कि मारुति ने जो किया वो एक अबोध बालक की बाल लीला है। महादेव, आपको इंद्रदेव के अकृत्य का निवारण करना होगा। मुझे विश्वास है कि आप मारुति को जीवनदान अवश्य देंगे स्वामी। मुझे भी विश्वास है प्रभु कि आप निराश नहीं करेंगे। विधान का पालन तो सबको करना होता है वायुदेव। यदि महादेव को नियम भंग करने होते तो वो भी देवी सती की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी जीवित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यदि मैंने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर इस बालक को दंडित किया है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, भस्म कर दीजिए मुझे। किंतु यदि मैंने अपना कर्तव्य उचित रूप से निभाया है तो मेरे द्वारा दिए गए दंड को पलटना अनुचित होगा। यदि ये दंड का विधान न बनाया होता वायुदेव, तो कोई भी नियम भंग करके प्रकृति को उथल पुथल कर सकता था। सृष्टि कभी भी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती थी, इसलिए इंद्रदेव के द्वारा दिए गए दंड को पलटना है, मारुति को जीवनदान देना है, तो इंद्रदेव की सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता। अन्यथा ये देव मर्यादा का उल्लंघन होगा।
भोलेनाथ, रक्षा करना मेरी मारुति की। रक्षा करना मारुति की, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। मारुति मेरा अंश है, किंतु नियमों का बंधन मेरे लिए भी है। नियम तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी त्रिदेव। इंद्रदेव, नियम तो कड़े ही होने चाहिए, किंतु उनमें उदारता और दया का भी स्थान होना चाहिए। नियम मात्र संहिता की पोथियां बनकर रह जाएंगे, या हत्या और शक्ति प्रदर्शन के उत्तम साधन बन के रह जाएंगे। इतना तो मैं भी जानता हूं देवेश्वर, अन्यथा आज देवराज पद पर सुशोभित नहीं होता। शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड के भय का बना रहना आवश्यक होता है। यदि मैंने अपना निर्णय पलटकर इस बालक को जीवन दान दिलाया तो फिर इस पूरे संसार में मेरे दंड से कोई भी भयभीत नहीं होगा। उचित, आप सब बंधे रहिए अपने अपने नियम से, किंतु उदारता और दया का स्थान जिस नियम में ना हो, उस नियम को मानने वाले भी हृदयहीन और भावनाहीन होते हैं। उन्हें औरों की पीड़ा का एहसास तब होता है जब तक वो स्वयं उस पीड़ा का अनुभव ना कर लें। बालक को प्रौढ़ों का दंड हो रहा, न्याय का खंड खंड, त्रिदेव हो गए हैं मौन, इंद्राभिमान तोड़ेगा कौन? अन्याय में नहीं सहूंगा, किसी लोक में नहीं रहूंगा। ममता और करुणा की मूर्ति है तो सहनशीलता की देवी है। वो सबके लिए दयावान हो सकती है, सब पर अपनी ममता लुटा सकती है, सब कुछ सहन कर सकती है। किंतु मां अपनी संतान का कष्ट सहन नहीं कर सकती। संतान को होने वाली तनिक सी भी पीड़ा मां के लिए अपार वेदना के समान होती है। भोलेनाथ, अबोध है मेरा मारुति, उसकी रक्षा करना। यदि उससे कोई अपराध हो गया हो तो बालक समझकर क्षमा कर देना उसे प्रभु। बहुत छोटी आयु का है मेरा मारुति, इसीलिए उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। और यदि उसे कोई दंड देना ही है तो उसका दंड मुझे दीजिए।
मैं प्रस्तुत हूँ, किंतु मेरे मारुति को कोई कष्ट मत दीजिए। उसके सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं मुझे प्रदान कर दीजिए। बहुत छोटा है वो, उसे कोई पीड़ा मत दीजिए। इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। नहीं, कमल मुरझा गया। मारुति आ गया। मारुति, मारुति, वायुदेव लाए हैं मारुति को। अंजना, मारुति, 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 कहाँ है मेरा मारुति? देखा तुमने मारुति को? कमल का फूल मुरझा गया है। वायुदेव आए होंगे ना मारुति को लेकर? कहाँ है मारुति? माँ, आपने तो अवश्य देखा होगा ना मारुति को? कहाँ है मेरा मारुति? बोलिए। वायुदेव ने तो कहा था कि कमल के मुरझाने के पूर्व वो मारुति को ले आएंगे। फिर कहाँ है? क्या हुआ है मेरे मारुति को? मारुति, मारुति, आ जाओ, पुत्र तुम्हारी माँ पुकार रही है। रुक जाओ अंजना। आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? मारुति आया है। मारुति, अंजना संभालो अपने आप को। मारुति,
वायुदेव नहीं आए हैं मारुति को लेकर। मारुति आया है, कमल मुरझा गया है, वायुदेव लाए होंगे मारुति। अंजना धैर्य रखो अंजना, मारुति नहीं आया है अभी, स्वीकार कर लो अंजना, मारुति नहीं आया है अभी। माँ के मन को कौन मनाए, कोई नहीं जो धीर धराए, रोती जाती कहती माता, मारुति मेरे लौट के आजा, पर नीरज दल से जीवन जाए, माता देख देख मुर जाए, हे अरुण कमल तुम बने रहो साथ मेरे यह समय सहो। वायुदेव का है शुभ वचन, है जीवित मेरा जीवन धन, मारुति जाती कहती माता, मारुति मेरे लौट जा, पर नीरज दल से जीवन जाए, देख देख माता मुरझाए, माँ के मन को कौन मनाए, कोई नहीं जो धीर धराए, कोई नहीं जो धीर धराए। ब्रह्मं प्रसन्नं, प्रसन्न हुए हम। इंद्र उस मायावी बालक को मारकर प्रसन्न कर दिया तूने हमें। असुरों का कार्य एक देवता ने कर दिया। रावण के हर शत्रु की दुर्दशा यही होनी चाहिए। बस इस प्रसन्नता के समय यदि कुंभकर्ण और त्रिशरावी होते तो और आनंद आ जाता। के बुझने का क्या अर्थ है, क्या संकेत देना चाह रहे हैं आप मुझे?
भोलेनाथ, मैंने आपको, वायुदेव को, सबको मना किया था कि मेरे मारुति को दिव्य शक्तियां मत दीजिए, उसे साधारण बालक ही रहने दीजिए। किंतु मेरी किसी ने भी ना सुनी। भोलेनाथ भली भांति सुन लीजिए, समस्त देवता, संपूर्ण दिशाएं, सभी दिक्पाल सुन ले। मैं मारुति की मां अंजना आप सबको चेतावनी देती हूं, यदि मेरे मारुति के साथ कोई अनहोनी हुई है तो अनहोनी होगी इस सृष्टि के साथ। भोलेनाथ, मैं शपथ लेती हूं, यदि नारी संतान को जन्म दे, सृष्टि में वृद्धि कर सकती है, तो संतान की रक्षा के लिए सृष्टि का अंत भी कर सकती है।
किया है, अंजना के साथ भी और मुझ भूदेवी के साथ भी। इस भू अर्थात मेरे उद्धार के लिए ही सारे देवताओं का जन्म हुआ है। विष्णु देव का रामा अवतार हुआ है तो महादेव का अंश अवतार मारुति के रूप में राम की सहायता के लिए हुआ है, किंतु इंद्रदेव के अहंकार और अपकृत्य ने मारुति के प्राण हर लिए हैं। जितनी व्यथा अंजना को है उतनी ही व्यथा मुझे भी है। जब तक इंद्रदेव मारुति को पुनः जीवित नहीं करते तब तक मेरे कोप के भागी होंगे ये समस्त सृष्टि भी ब्रह्मदेव। प्राकृतिक आपदाएं भोगनी पड़ेंगी जगत को। स्वामी, एक माँ के दुख से पूरी सृष्टि प्रभावित हो उठी है और उसकी पीड़ा मातृत्व पीड़ा के प्रतीक है और इसीलिए भूदेवी भी शोक से भर उठी है। स्वामी, आपको अंजना के पीड़ा का निवारण करना होगा। अंजना की व्यथा मुझे भी झकझोर रही है देवी, किंतु मैं विवश हूं। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर मैं मारुति को जीवन दान कैसे दे सकता। आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। अपनी संतान को वापस पाने के लिए तड़पती और निर्दोष मां का वियोग का आपको तनिक भी आभास नहीं है? तो फिर मैं भी तो एक नारी हूं और मुझ मां के लिए यहां पर एक पल भी ठहरना असहनीय है। मैं भी आपके द्वारा उत्पन्न सृष्टि से सारा ज्ञान वापस ले लूंगी। ज्ञान शून्य हो जाएगा ये जगत।
अक्षर कैसे लुप्त हो रहे हैं? देखते ही रहेंगे श्रीहरि, जीवन दान दिलाइए मारुति को। मैं क्या कर सकता हूं देवी? मारुति को जीवन दान देने के लिए इंद्रदेव और अन्य देवों की सहमति आवश्यक है। आप सहमति और असहमति की दुविधा में पड़े रहिए। जब तक मारुति का जीवन नहीं, तब तक हमारा भी साथ नहीं। समस्त जगत श्रीहीन हो जाएगा मेरे बिना। सारे भोग विलास लुप्त हो जाएंगे संसार से। स्वर्ण लोह बन जाएगा, माणिक मोती सब मिट्टी बन जाएगा। महादेव कहाँ हैं आप? आपका ये अंश जिसे मैंने भी पुत्र समान स्नेह किया था, अब मैं उसे आपको लौटा रहा। इसके जीवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा था, किंतु संपूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी मैं असफल रहा। इसीलिए मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। मारुति के अंत के साथ मेरा भी अंत हो। और साथ ही अंत होगा
इस संसार में संचारित होने वाली समस्त वायु को, जिन्हें सुचारू रूप से संचालित करने वाले मेरे समस्त 48 मरुदगण मेरे साथ ही अंत को प्राप्त होंगे। लगता है देवी लक्ष्मी भी रुष्ट हो गई हैं। और पुरुष के मेल से ही सृष्टि का जन्म होता है, किंतु जब ये मेल टूट जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। प्रकृति का नाश अब मैं करूंगी। मारुति की माँ देवी अंजना के दुख ने समस्त मातृत्व शक्ति को आंदोलित कर दिया है। इसके दुष्परिणाम समस्त जगत को भोगने पड़ सकते हैं। हे महादेव, निवारण कीजिए अंजना के दुख का। हे माँ महादेवी, आप तो सारे जगत की माता हैं। एक माँ की पीड़ा आप भली भांति समझ सकती हैं। आप ही अंजना की पीड़ा शांत कीजिए माता। यदि सृष्टि को बचाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो मारुति को जीवन दान दिए बिना ये संभव नहीं होगा। मारुति को जीवन दान देने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा सबको। हाँ, अन्यथा समय प्रलय भी आ सकता है। मां सृष्टि करता है। 9 मास संतान को गर्भ में सहेज कर रखना बहुत बड़ी तपस्या है नारी की। वही तपस्या माँ को मातृत्व शक्ति प्रदान करती है, और यही मातृत्व शक्ति संतान पर स्नेह और ममता लुटाती है। तो यही माँ संतान को संकट में देखकर शक्ति स्वरूपा देवी बनकर सहार करने को भी तत्पर हो जाती है। यहां तक कि सृष्टि से लेकर ईश्वर तक भी मातृत्व की शक्ति के समक्ष विवश हो जाते हैं। किंतु प्रभु, इंद्रदेव का हट भी तो अनुचित था। प्रिये, इंद्रदेव सृष्टि के विधान की आड़ में अपने अनुचित कार्य को न्याय संगत सिद्ध करने में तत्पर थे, जबकि महादेव का कथन सत्य है कि किसी भी न्यायिक संहिता में उदारता का स्थान होना ही चाहिए, अन्यथा वो संहिता हत्या या शक्ति प्रदर्शन का साधन मात्र बनकर रह जाती है। अपने मद में चूर इंद्रदेव ये भी भूल गए थे कि उनके इस दुष्कृत्य के कारण सृष्टि को कितनी हानि हो रही थी। हे जल, थल, नभ, अग्नि, देह,
संसार सहित समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित मेरे मरुत गणों, मैं वायुदेव आपका आवाहन करता हूं, आप सब आए और समाहित हो जाए मुझ में, समाहित हो जाए मुझ में, समाहित हो जाए मुझ में। दीति सहित ब्रह्मांड में उपस्थित मेरे सभी 48 मरुत गणों, जल थल नभ अग्नि संसार सहित समस्त ब्रह्मांड को वायुहीन कर दो, लौट आओ मेरे पास। ये तुम्हारे अधिष्ठाता 49वें मरुत वायु देव का आवाहन है तुम सबके लिए। एक अग्नि कैसे बुझ गई? ये तो अशुभ संकेत है। ये संसार उजड़ जाएगी, ये सृष्टि पृथ्वी की अधिष्ठात्री भूदेवी आप? आप त्रिदेवियां ही नहीं, समस्त मातृत्व शक्ति आज संतप्त हो उठी है। और फिर अंजना की पीड़ा भी तो मेरी पीड़ा है ना, क्योंकि मारुति का जन्म तो मुझ पृथ्वी के उद्धार के कार्य में प्रभु श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। यदि मारुति को जीवन दान नहीं मिला तो मैं समस्त पृथ्वी का नाश कर दूंगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर। मारुति के जीवन से ही संसार का जीवन जुड़ा है, आज यदि मारुति नहीं तो संसार भी नहीं। देवराज कुछ कीजिए, देव गुरु बृहस्पति के बिना देव कार्य कैसे संपन्न होंगे? इन कठिन परिस्थितियों में देव गुरु के समान हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, उन्हें वापस लाना ही होगा।
प्रकृति भी उद्वेलित हो रही है। देवगुरु, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वरुण देव। मैं देवराज उनके कारण नहीं हूं, अपितु वो देवगुरु है मुझ देवराज इंद्र के कारण। मैंने ही उन्हें देवगुरु बनाया है। यदि मैं यहां हूं तो देवगुरु भी देवताओं को मिल ही जाएंगे। जयंत, मेरे पुत्र। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, तुम यहाँ मेरे दरबार में? हाँ पिताश्री, आप ही ने सुझाव दिया था ना कि मैं भी राज कार्यों में रुचि लूं, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। पिताश्री, सुना है गुरुदेव बृहस्पति ने देव गुरु पद त्याग दिया है, ऐसा क्या हो गया था जो वो रुष्ट हो गए? जयंत, मेरे पुत्र, राज कार्य में तुम्हारी रुचि देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन देवराज का पद तुम्हें ही तो संभालना है पुत्र, किंतु तुम अभी अभी आए हो। राजकाज को देखो, समझो क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे मैं समस्याओं का निवारण करता हूं। समय के साथ साथ तुम सब जान जाओ। जी पिताश्री। किस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी? देवी शची। प्रणाम देवी। आप यहाँ? कुछ बड़ा अनर्थ हो उससे पहले ही हम संभल जाएं, इसीलिए मैंने यहाँ आने का निश्चय किया। कोई अनर्थ नहीं हो सकता देवी, किसी में इतना साहस नहीं जो मुझ महाबली देवराज इंद्र को हानि पहुंचा सके। अपने चारों ओर देखिए स्वामी, त्रिदेवियों के रुष्ट हो जाने से स्वर्ग की सारी शोभा श्रीहीन हो गई है, सारी चमक लुप्त हो गई है, और जिस संसार को आप नियम पूर्वक चलाने की बात कर रहे हैं वहां भी उथल पुथल मची हुई है। मनुष्यों की वाक शक्ति समाप्त हो रही है और प्रकृति क्षुब्ध हो उठी है। जयंत, अपनी माता को समझाओ कि ये सब मैं भी देख रहा हूं। नेत्र बंद किए नहीं खड़ा हूं मैं यहां। किंतु नेत्रों से अहम का आवरण हटाकर देखिए स्वामी, सृष्टि संतप्त है, संसार मिटने वाला है मात्र आपके एक हट के कारण। स्वामी, मारुति को जीवन दान दिला दीजिए। इंद्राणी, मान जाइए स्वामी, अंजना की पीड़ा का आभास मुझे भी है, उनके दुखों को दूर कर दीजिए। त्रिदेवियों, भूदेवी और वायुदेव का कोप स्वतः शांत हो जाएगा और ये संसार मिटने से बच जाएगा। आप अंजना के पुत्र को पुनः जीवन दान दे दीजिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए देवी। आप एक माँ की पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे देवराज? कितनी कठिन तपस्या के फलस्वरूप उन्हें मारुति जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आप एक माँ से उसके पुत्र को छीनने का पाप क्यों अपने सिर चढ़ा रहे हैं? और वानर राज केसरी से भी आपकी कोई शत्रुता नहीं, फिर क्यों? बस चाची, मेरे कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। केसरी से किसी शत्रुता के कारण मैंने उस वानर बालक पर वज्र प्रहार नहीं किया है, मैंने केवल अपना राजधर्म निभाया है। प्रकृति के नियमों को जो भी भंग करता है उसे इसी प्रकार दंडित किया जाता है।
लौट आओ मेरे पास। तुम्हारा अधिष्ठाता तुम्हें पुकार रहा है। आओ समाहित हो जाओ मुझ में। लौट आओ मेरे पास। मरुत का आवाहन करता हूं जिससे सबको स्वांस मिलती है, जो संसार के सभी जीवधारियों को जीवन देता है। ऐ सभी जीवधारियों को जीवन देने वाले मरुत, प्राण वायु को संसार में संचालित करने वाले मरुत, लौट आओ अपने अधिष्ठाता के पास और श्वासहीन कर दो इस संसार को। ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हमें श्वास लेने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? जाने क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कायक? मेरी भी सांस अटक रही है। बृहस्पति, लगता है प्राणवायु समाप्त हो रही है। अवश्य वायुदेव कुपित हो उठे हैं। ठहरे रखिए वानर राज केसरी, मेरा अनुमान सत्य है, वायुदेव के क्रोध का ही परिणाम है ये। प्रतीत होता है प्राणवायु आदि का प्रसार करने वाले मर्दों को वायुदेव ने वापस खींच लिया है। रुक जाओ अंजना, प्राण वायु समाप्त हो रही है। तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। प्राण, मेरे प्राण मेरे पुत्र में बसे हैं। यदि मारुति लौट कर नहीं आया तो मैं यही नृत्य करते करते अपने प्राण त्याग दूंगी। देख लो देवताओं, देख ले ये सारा संसार। मां का लाल नहीं तो मां भी नहीं।
समस्त संसार पंच तत्वों अग्नि जल पृथ्वी आकाश एवं वायु के संगम से निर्मित हुआ है। जिस प्रकार मनुष्य की देह का कोई भी एक अंग यदि अपना कार्य करना बंद कर दे तो उसकी सारी देह असंतुलित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पंच तत्वों में से कोई भी एक तत्व यदि अपना कार्य करना बंद कर दे तो यह सारी सृष्टि असंतुलित हो जाती है। आप सब कुछ इतना विचित्र क्यों हो रहा है? पहले भूकंप और अब मशाले बुझ गई, कोई तो बहुत बड़ी घटना घट रही है सृष्टि में, अन्यथा इतनी उथल पुथल कैसे हो सकती है? लंकेश, कुछ तो विचित्र हो रहा है सृष्टि में, जिसके कारण श्वास लेना भी दुभर हो गया है। हाँ दशानन, ग्रहण के बाद से जैसा सब कुछ घट रहा है वैसा पहले कभी नहीं घटा। मुझे भी श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। किंतु क्यों? यह समय धरती पे प्रलय है। गुरुदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ हैं आप? शीघ्र दर्शन दीजिए, आपके दशानन को आपकी आवश्यकता है। शीघ्र पधारिए गुरुदेव। गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? पूरी सृष्टि में ये क्या उथल पुथल मची हुई है? श्वास लेने में भी असहज हो रहा है। लंकेश, आप अपने इस आनंदोत्सव में इतने डूबे हुए हैं कि आपको तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। अपने नेत्र सदैव खुले रखें लंकेश। औचित कह रहे हैं आप गुरुदेव, परंतु दशानन पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है? सब कुछ इतना विचित्र क्यों हो रहा है गुरुदेव? लंकेश, आप जिस वानर बालक की मृत्यु पर प्रसन्न होकर ये जो आनंदोत्सव मना रहे थे, उसी बालक को देवता जीवित करने में लगे हुए हैं। प्रकृति का विधान और सृष्टि का भविष्य दोनों आपस में टकरा रहे हैं लंकेश, और यही इसका परिणाम है कि इतनी उथल पुथल मची हुई है। ये नहीं हो सकता। देवताओं, इसका मूल्य चुकाना होगा तुम्हें, दंड भोगना होगा। दशानन रावण का। नहीं, ये नहीं हो सकता। अवश्य ही ये वायुदेव का कार्य है। वायुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। नारायण नारायण, उन्होंने तो ऐसा कर दिया है इंद्रदेव। उन्होंने अपने सारे मरुद संसार से वापस बुला लिए। देख लीजिए अपने नेत्रों से संसार भर में कैसी त्राही त्राही मची हुई है।
प्राण वायु समाप्त हो रही है संसार, पशु पक्षी नहीं मनुष्य भी अचेत हो रहे हैं, वनस्पति सूख रही है, और यही नहीं अपने देवताओं की दशा ही देख लीजिए। ये भी श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ये सब आपके कारण हो रहा है देवराज। अभी भी समय है, मारुति को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। होने दीजिए अनर्थ देवर्षि। देवराज इंद्र का न्याय अडिग है, कुछ भी हो जाए यह निर्णय नहीं पलट सकता। देवराज अपना हट त्याग दीजिए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज सृष्टि को बचा लीजिए। पुनः सोच लीजिए देवराज, आपका पुत्र भी आपके द्वारा किए गए अन्याय का दंड भोग रहा है। जयंत, मेरे पुत्र संभालो स्वयं को, हम देवता हैं, वायुहीन होकर भी हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। अमृत पान किया है हमने, ये देह ना रहे तब भी हम जीवित रहेंगे, हम सब अमर हैं। इस स्थिति का साहस के साथ सामना करो पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपका ये अभिमान अनर्थ का कारण ना बन जाए देवराज। देवराज होने के अभिमान में इंद्रदेव ने वायु की उपेक्षा की, परिणाम स्वरूप वायुदेव ने अपने सभी मरुतों को बुलाकर ये सिद्ध कर दिया कि वायु के बिना इंद्रदेव ये संसार नहीं चला सकते। इस संसार में कोई भी तुच्छ नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर संपूर्ण है, इसीलिए हमें अपने पद ऐश्वर्य और समृद्धि के अभिमान में आकर किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी की उपेक्षा करनी चाहिए। मैं भी देखता हूं इंद्रदेव कैसे बचाएंगे आप इस सृष्टि को। अब तो आपको भी आभास हो जाना चाहिए कि यह सब कुछ आपके ही अहंकार का परिणाम है। रखो पुत्र, धैर्य रखो। दशरी, हमारी सांस रुक रही है। पुत्र, हम खड़े नहीं हो सकते। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अमर है हम सब। ऐसी अमरता किस काम की देवराज, ये तो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। प्राण वायु के बिना आप जी नहीं पाएंगे और अमृत पान के कारण आपकी मृत्यु नहीं होगी। नारायण नारायण, श्वासहीन देह से ना तो आप चल पाएंगे और ना ही कोई कार्य कर पाएंगे, ऐसा जीवन चाहते हैं आप? सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है स्वामी, और आपके कर्मों का फल हमारा पुत्र भोग रहा है। सारा संसार आपके कर्मों का फल भोग रहा है। भूदेवी क्षुब्ध हो उठी है, एक माँ की हर मत लीजिए स्वामी। एक माँ की संतान के प्रति ममता उसे वो शक्ति प्रदान करती है जिसके समक्ष दैवीय शक्ति तुच्छ है। मातृत्व शक्ति को पहचानिए स्वामी, मान जाइए, ये विनाश होने से रोक दीजिए। देवराज मान जाइए, अपना हट त्याग दीजिए।
सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज सृष्टि को बचा लीजिए। पिताश्री, आपका पुत्र आपके समक्ष श्वास के बिना तड़प रहा है। आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसे अमरत्व को पाकर मैं क्या करूंगा? मैं ये जीवन त्यागने जा रहा हूँ पिताश्री। पुत्र नहीं, मात्र अपने नियमों का पालन कराना आपका धर्म नहीं है स्वामी। प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है। राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना पुत्र की भांति, ना कि उनपे शासन करना शासक की भांति। और उन सहस्त्र प्राणियों के बारे में सोचिए, उन्होंने तो कोई आपका नियम भी नहीं तोड़ा, किंतु इस विनाश लीला के कारण वे सब भी असमय ही काल के गाल में समा जाएंगे। उठो पुत्र, पुत्र उठो। प्राण वायु के बिना प्राण भी शक्तिहीन हो जाते हैं देवराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पुत्र तुम्हें उठना होगा। तुम्हें उठना ही होगा। अब इंद्रदेव वज्र से किसके प्राण हरने वाले हैं? दीजिए एक माँ को उसका पुत्र, मारुति को पुनः हमारे पास भेज दीजिए। कृपा कीजिए प्रभु। इंद्रदेव, यदि आप अब भी अपने हट पर अड़े रहे तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। मेरे क्रोध की ज्वाला में सब भस्म हो जाएगा। भूदेवी के कारण यह सब हो रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम 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 त्रिदेव। आप ही कुछ कीजिए देवेश्वर, इंद्रदेव का हट सृष्टि को विनाश की सीमा पर ले आया है। कुछ कीजिए त्रिदेव, अन्यथा सृष्टि का अंत हो जाएगा। भूदेवी, ये क्या कर रही हैं आप? अपना ये कोप शांत कीजिए, आदेश है ये मेरा। देवराज, आप मुझे आदेश देने का अधिकार खो चुके हैं। आप चाहे तो मुझे भस्म कर सकते हैं, किंतु किंतु भूदेवी, संसार नष्ट हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ? आपका स्वर्गलोक तो सुरक्षित है, आपका परिवार, आपका पुत्र सब सुरक्षित है। मेरा पुत्र भी अंतिम सांसें ले रहा है। अच्छा, तो आपके पुत्र की व्यथा आपको यहाँ खींच लाई है। अरे मारुति भी तो किसी का पुत्र है, उसकी वेदना आपको दिखाई नहीं दी? देवराज, आपका ये वज्र एक महाघातक अस्त्र है। उसका प्रहार करने से पूर्व आपको भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए था। आपने उस बालक मारुति पर प्रहार किया जिसका जन्म राक्षसों के संहार और पृथ्वी के उद्धार में श्री राम की सहायता के लिए हुआ है।
इतना घृणित कार्य करते हुए आपने तनिक भी नहीं सोचा? वज्र प्रहार करते हुए आपके हाथ में कंपन नहीं हुआ? अब तो अपना ये कोप शांत कर लीजिए। शांत? अब ये शांति तभी होगी जब मारुति को जीवन दान मिल जाएगा। जाइए और अपनी भूल सुधारिए, अन्यथा इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। जाइए, चले जाइए। मेरा क्षोभ अब और मत बढ़ाइए। जाइए, चले जाइए यहाँ से। हे जगत जननी माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, मेरा पुत्र जयंत जीवन के लिए तड़प रहा है। कुछ कीजिए माता, आपका ही आसरा है। अपने पुत्र की वेदना आपको यहां तक खींच लाई? किसी और के पुत्र की पीड़ा और उससे बिछड़ने वाली माँ की व्यथा का आपको आभास तक नहीं है? क्षमा करे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पुत्र को खोने की पीड़ा का आभास अब मुझे हो गया। इंद्रदेव, अपने पुत्र की पीड़ा से तो सभी व्यथित होते हैं, किंतु जो सभी के पुत्र को समान दृष्टि से देखे, उनकी पीड़ा में स्वयं भी द्रवित हो जाए, वही सच्चा राजा हो सकता है। चाहे वो धरती का राजा हो या स्वर्ग। आप सत्य कह रही हैं देवी, मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं। इंद्रदेव, हमारे लिए जैसे आपका पुत्र जयंत है, वैसे ही अंजना का पुत्र मारुति किसी भी बालक का कष्ट या असमय मृत्यु हमारे लिए असहनीय है, किंतु आपके कठोर नियमों ने एक अबोध बालक को अपनी माँ से दूर कर दिया है। उस माँ की करुणामयी गुहार ने समस्त मातृत्व शक्ति को संतप्त कर दिया है। इसीलिए सारी सृष्टि में त्राहिमाम मचा हुआ है। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का फल तुम्हारा पुत्र भी भोग रहा है। अब भी समय है इन अपनी भूल सुधार लो, अन्यथा दे, क्षमा प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहा कि समस्त प्रयास करने के पश्चात आपके अंश को जीवन दान ना दिला सका, मारुति की मां को दिया हुआ वचन ना निभा सका,
इसीलिए मैं योगा अग्नि में जलकर स्वयं को समाप्त कर लूंगा और साथ ही मेरे समस्त मरुदगण भी भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। मारुति वत् क्षमा कर देना मुझे पुत्र। वचन नहीं निभा पाए उसका जीवन व्यर्थ, मैं भी अपना दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया, असफल हो गया। अब मुझे तत्व रूप में भी रहने का कोई अधिकार नहीं। मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।